हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी निशा सुखदार। आज मैं लेकर आई आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड स्वीट रेसिपी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नीचे बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोहे की खीर, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी लगता है। तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखिएगा। चलो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन वीडियो। पोहे की खीर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 लीटर के बराबर दूध चाहिए। अब मैं दूध को बॉईल कर लूँगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं साइड में से जो भी मलाई वगैरह जम रही है, अब मैं उसको साइड से हटाते हटाते इसको मिक्स करती रहूँगी और इसको तो और थोड़ी देर गाढ़ी होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, हमारा जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको साइड में रख दूँगी। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ और मैं थोड़ी देर घी को गर्म होने के लिए रख दूँगी। मुझे घी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका जो टेस्ट आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जो हमारी घी है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी के बराबर पोहे डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। मैं इसको तब तक भूनूँगी जब तक ये थोड़ी सी क्रंची नहीं हो जाती और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी घी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब पोहे ने बहुत अच्छे से घी को सोख लिया है और पोहे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमने उबाल के दूध रखा था उसको मैं डाल दूंगी। अब मैं पोहे और दूध को लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट तक ऐसे ही पका लूँगी। मुझे दूध और पोहे को चलाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर 1/2 कटोरी चीनी डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको और 5 मिनट तक चलाती रहूँगी। ये देखिए, लगभग 5 मिनट हो चुका है और हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये देखिए, हमारी जो पोहे की खीर को है मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं हमारी खीर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाऊँगी। थोड़े से मैं फ्रूट्स डाल दूँगी। सबसे पहले मैं थोड़े अंगूर से डेकोरेट कर लूँगी। फ्रूट्स और खीर का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बनाना से भी डेकोरेट कर लूँगी और आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई से भी सीजनल फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं अपने खीर के ऊपर डालूँगी थोड़े से क्रश्ड करे हुए बादाम और पिस्ता। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं जो हमारी पोहे की खीर है वो दिखने में कितनी सुंदर और यम्मी लग रहा है। और ये दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर है ना, उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। आप सब इस पोहे की खीर को एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की हमारे पोहे की खीर की रेसिपी ख़त्म होती है। मैं ज़रा इसको टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बाय गॉड, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो फिर अब मैं खा रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।